आज से कुछ साल पहले शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, माय नेम इज़ खान। उस मूवी में हमें देखने को साफ पता चला था कि शाहरुख खान उस मूवी में सोशल और कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी के शिकार है, यानी ऑटिज़म से पीड़ित दिखाए गए थे। ऐसे आज भी समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जो इस डिसेबिलिटी के शिकार हैं, और उन्हें राह दिखाने की कोशिश कर रही हैं आज की हमारी मेहमान दीपक कालरा। दीपक जी उमंग की ट्रस्टी है और पिछले लंबे समय से 37 सालों से उमंग को चला रही है। तुम खास मुलाकात करेंगे दीपक कालरा जी के साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पे। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि उमंग की जो कहानी है आपकी, इसकी शुरुआत किस तरह से हुई, उसके बाद हम और भी बातें आपसे करेंगे। ये एक कोशिश है पेरेंट्स की, ऐसे पेरेंट्स की जिनके बच्चों को अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी है, तो हम पेरेंट्स एक साथ आए। इनफैक्ट 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे था, मुझे याद है, और पेरेंट्स मेरे पास आए थे कि एक ऐसा स्कूल हो जो हमारे बच्चों की सारी नीड्स को समझ सके। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरा बेटे को सेरेब्रल पॉल्सी है, सो हम सब ने मिलके ये कोशिश की हम स्कूल स्टार्ट करेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैंने उनको कहा, देखो मैं दरी पे बैठी हुई हूँ यहाँ पर और कुछ भी नहीं, एक टेबल तक नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने कहा, मैम आपके पास छत तो है ना, अपन यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। वो बहुत इनकरेजिंग था मेरे लिए। और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे सारे मिलके, पेरेंट्स मिलके, हमने 3 दिन बाद कहा था कि चलो अब एडमिशन्स खोलना शुरू करेंगे। उमंग उसका नाम रखा, वो भी एक पेरेंट, एक बच्चे ने ही हमें नाम दिया। और जब हमने सोचा कि हम शुरुआत करेंगे, 3 दिन बाद हमने एडमिशन फॉर्म्स के लिए जब खोले, तो 65 पेरेंट्स एक ही पहले दिन ही आ गए। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे करेंगे, लेकिन एक हौसला जो पेरेंट्स ने दिया था उससे हम चल पड़े। और कुछ ही दिनों में कुछ पेरेंट्स, एक पेरेंट कोई टेबल कुर्सी लेके आ गया, कोई पुरानी व्हीलचेयर लेके आ गया, किसी के पास कुछ टॉयज़ थे वो लेके आ गया। मुझे अभी तक याद है, एक मदर जो एक बहुत ही गरीब घर से थी और अपने घर से कुछ नहीं ला पाई, एक दिन 2 थैले लेके अपने हाथ में, पूरे पसीनों पसीन, दिसंबर का महीना था, आई और बोलती है, मैडम ये 2 थैले ले लो, मैं सुबह 7 बजे से निकली हुई हूँ और मेरी कॉलोनी में जितने घर हैं मैंने वहाँ पर घंटी बजा के बोला है कि आपके घर में अगर कोई भी एक खिलौना या किताब या कुछ ऐसी है जो आपके बच्चे अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और अच्छी कंडीशन में हो, आप मुझे दे दें, क्योंकि हम सब मिलके एक स्कूल खोल रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। तो उसने वो जो वर्ड, जो सेंटेंस बोले, हम लोग एक स्कूल खोल रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, वो ही मेरा मकसद था। इट वॉज़ सो इनकरेजिंग कि मुझे उस वो 2 सेंटेंस ने इतना हौसला दिया, क्योंकि वो ही मेरा ऑब्जेक्टिव था, हम सब मिलके अपने बच्चों की नीड्स को समझें और उनके लिए कुछ खोलें। डिसेबल बच्चों के लिए आप काम करें तो उस वक्त कितना चैलेंजेस, क्योंकि आज टाइम में काफ़ी बदलाव भी है, लेकिन तब कितना चैलेंजिंग आपके लिए था, वो थोड़ा सा बताइए, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने उसमें फेस की? मुझे अभी 37 ईयर्स हो गए इस फील्ड में, और 40 साल पहले मैंने स्पेशल स्कूल्स ढूंढने शुरू किए थे जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था। उस समय राजस्थान तो छोड़े, पूरे इंडिया में ब्रेन डैमेज वाले बच्चों के लिए मुश्किल से 5 स्कूल थे। सो मैं जहाँ जाती थी, लोग मुझे कहते थे, आप हॉस्पिटल चले जाओ, डॉक्टर को दिखा दो, आपको स्कूल की क्या ज़रूरत है। ये चीज़ समझना कि जितना एक स्कूल बाकी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ही हमारे बच्चे जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए, मेरे ख्याल उनके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात को समझने में ही सब बहुत समय लगा। इनफैक्ट मैं राजस्थान में जब 1995 में आई थी, तो मैं दो साल के लिए आई थी, मेरे हस्बैंड आर्मी में है, हमारे यहाँ पोस्टिंग हुई, मैं सोच ही नहीं सकती थी कि यहाँ स्कूल नहीं मिलेगा। पूरे राजस्थान में ब्रेन डैमेज के लिए कोई स्कूल नहीं था। सो और कोई एक्ट भी हमारी कंट्री में बहुत लेट आए हैं, जो सबसे पहली एक्ट रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आई है, वो भी 1990 में आई है। 1995 में पहली बार गवर्नमेंट ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसेबल्ड के लिए एक एक्ट बनाया था। सो इवन हालांकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहती है कि हर एक के इक्वल राइट्स हैं, लेकिन जो जब राइट्स वायलेट हो रहे थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो इक्वल राइट्स की जो एक्ट आई थी, वो भी 1995 में आई थी सबसे पहले। तो ये जो मूवमेंट है ब्रेन डैमेज वाले बच्चों के लिए, ये मैं तो कहूँगी मुश्किल से 40 साल पुरानी है हमारे देश के अंदर। और स्टेट वाइज लेंगे तो कई स्टेट्स में तो 10 साल पुरानी है सिर्फ। डिसेबिलिटी की हम बात करें तो किस किस तरह की डिसेबिलिटी, किस किस तरह की होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
देखिए अभी तो 2016 में जो एक्ट आई है उसमें तो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग जो डिसेबिलिटीज़ पहले समझते थे उससे पहले वो 7 कैटेगरीज में कैटेगराइज थी, जो देख नहीं सकते ब्लाइंड, जो सुन नहीं सकते हियरिंग, बोल नहीं सकते उनको स्पीच की प्रॉब्लम, और ब्लाइंड के अंदर लो विजन वाले भी इंक्लूडेड थे। फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ थी जैसे पोलियो, एम्पुटीज़ वगैरह, उसके अलावा सेरेब्रल पॉल्सी जो ब्रेन डैमेज से होती है, ऑटिज़म, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ जो एक से ज़्यादा विकलांगता होती हैं, जो देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, और साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये ही कैटेगरीज थी पहले डिसेबिलिटी में। अब बहुत सी और ऐड हो गई हैं जिसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाता है, साइकेट्रिक केसेस जिसको हम मेंटल हेल्थ के अंदर कवर करते हैं वो आ जाते हैं, जैसे स्किजोफ्रेनिया, न्यूरोसिस, बाइपोलर वगैरह, इस तरह की डिसेबिलिटी, इसको भी डिसेबिलिटी का दर्जा दिया गया है। उसके अलावा खून से रिलेटेड जैसे थैलेसीमिया वगैरह, उससे रिलेटेड कंडीशंस को भी डिसेबिलिटी के अंदर डाला गया है, पोस्ट लेप्रसी को डाला गया है, उसके अलावा बर्न्स के, पोस्ट बर्न्स केसेस, चाहे वो एसिड बर्न हो या किसी तरह के बर्न्स केसेस, पोस्ट बर्न केसेस को भी डाला गया है। सो बहुत एक वाइड रेंज 21 डिसेबिलिटीज़ की अभी बनाई गई है। जी, इसमें से एक ऑटिज़म भी है जी। मैं अब ऑटिज़म, क्योंकि हम डे स्पेशल कर रहे हैं, प्रोग्राम हमारा पूरा है, तो ऑटिज़म पे ही मैं बात करना चाहूँगी, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, मैं एग्जैक्टली ऑटिज़म है क्या, अभी भी लोग उसके बारे में नहीं जानते। अनफॉर्चुनेटली ऑटिज़म एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन है, और वो डिफ़िकल्ट इसलिए बनती है कि उस चीज उसको समझ नहीं पाते हैं लोग। कहने के लिए तो बहुत ईजी है, आपको कहना कि ये एक कम्युनिकेशन, सोशल और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। जिस तरह से हम सारा टाइम, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो रिएक्शन आ रहा है मुझे, उससे मुझे पता चल रहा है कि आपको समझ आ रही है बात, अपन एक आई कॉन्टैक्ट बना लेते हैं आपस में जब बात करते हैं, तो उससे ये एक सिंपल सी चीज़ होती है, इससे हम अपना सोशल रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, रिश्ता बनाना। आप जो हमने एक सोशल सिस्टम में रूल्स बनाए हुए हैं, एक सोसाइटी बनाई हुई है, उसके अंदर हम एक साइलेंट रूल्स होते हैं उस सोसाइटी को रन करने के लिए, वो उनको समझना, ये सब चीज़ें उनके लिए, उनको उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, उन्हें समझ नहीं आती है। उसके अलावा बहुत सारे उनके अंदर सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, सेंसेस जितने भी होते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, टच करना, कई बार वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, कई बार वो हाइपो सेंसिटिव होते हैं, मायने जिस तरह से हमें सुनाई दे रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा उनको सुनाई देता है। एक पंखा चलता है, हल्की हल्की खटखट आवाज़ आती है, और आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और अपन बात करते रहते हैं, वही आवाज़ को अगर 10 गुना हो जाती है तो आप और मैं बात नहीं कर सकते हैं, हम इतना इरिटेट हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिव। इस तरह से हर, मतलब टच में भी आप देख लें, अगर हम जैसे ज़मीन पे नंगे पैर चलते हैं, थोड़ी सी रेत तो होती है ज़मीन के ऊपर, मिट्टी होती है, लेकिन वही मिट्टी की जो फीलिंग है वो आपकी 10 गुना हो जाए तो आप चल पाएंगे क्या नंगे पैर? तो इस तरह से कई सेंसेस के लिए वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, और दूसरा हाइपो, उन्हें ज़्यादा चाहिए। प्रोप्रियोसेप्टर फीडबैक एक होता है, वो ज़्यादा चाहिए तो वो कूदते हैं, जो फीडबैक हम चलते हैं ना तो एक फीलिंग आती है कि आपने ज़मीन पे पैर रखा है, हवा में नहीं है, क्योंकि एक फीडबैक आता है, बायो फीडबैक आता है हमें। वो जब हाइपो सेंसिटिव होते नहीं होता तो कूदते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो कूद क्यों रहे हैं। तो ये सारे सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, इनको समझना बहुत मुश्किल होता है, और इन पहले हमें इनके साथ काम करना पड़ता है, डीसेंसिटाइज करना पड़ता है बच्चों को। आवाज़ जैसे नॉर्मल सीटी बज जाती है कुकर की, उसको आप 10 गुना मल्टीप्लाई करो, एकदम से यूँ कान बंद कर लेंगे, ऑन बजता है, तो इस चीज़ के लिए पहले काम करना पड़ता है, डीसेंसिटाइज करके बच्चों को, फिर हम उनके साथ काम करते हैं। पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा अगर कोई किसी के बच्चे को ऑटिज़म है, पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा? देखिए, फर्स्ट चीज़ होती है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं आपके जितने भी, जैसे अपन बच्चे से बात करते हैं बच्चा स्माइल करता है, थोड़े से महीने का जब बच्चा होता है तो सबसे पहले सोशल स्माइल 6 महीने में आती है, आप उसकी चिन टच करते हैं, उसकी आँख से आँख मिलाते हैं, आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी तरफ देखता है, बच्चा आवाज़ करते हैं तो आप बोलते हैं तो आपकी तरफ देखता है, आपका फेस रिकग्नाइज करने की कोशिश करता है, आपकी आँख से आँख मिलाता है,
तो ये सबसे पहले जो होता है, ये बच्चे नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. आप बुलाते हैं तो बोलते नहीं हैं, आप सोशल स्माइल नहीं देते हैं. फिर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो नोट करते हैं कि बोलते नहीं हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं. अगर लैंग्वेज भी होती है तो उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं. भाषा सीख भी जाते हैं तो उसको आपस में, क्योंकि कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं उनको, बातचीत नहीं करते हैं वो आपसे. जैसे अपन रेगुलरली बात करते हैं, मैं बोलूँगी आप जवाब देंगे इस तरह से, फिर मैं रिएक्ट करूँगी. अपन जिस तरह बातचीत करते हैं इस तरह से नहीं करते हैं. हमारे यहाँ एक बच्चा है, उसके फादर 9 से 10 न्यूज़ सुनते हैं जी. वो बच्चा पूरे एडवर्टाइजमेंट जिस सीक्वेंस में आती है, पूरे एडवर्टाइजमेंट 9 से 10 के बीच में जितने आते हैं नॉन स्टॉप बोल देता है. लेकिन जब आप बातचीत करेंगे तो वो जवाब नहीं देगा. उसको जो चीज़ चाहिए होगी, खुद को जो चीज़ चाहिए होगी वो पूछ मांग लेगा. लेकिन जिस तरह हम बैठ के आज बातचीत कर रहे हैं, इस तरह से वो बातचीत नहीं कर पाता है जी. इस तरह से अगला मतलब पेरेंट्स को पता चल सकता है इजीली कि बच्चा ऑटिस्टिक है. ट्रीटमेंट कुछ है? नॉर्मली हम लोग सब ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, हम लोग सब सोचते हैं क्योर. क्योर नहीं होता है, ये एक कंडीशन है जिसे हमें मैनेज करना है. हर तरह की विकलांगता जो है ये एक बीमारी नहीं होती है, ये एक स्थिति है, कंडीशन है. और हमें देखना है कि हमें इसे कैसे बेस्ट मैनेज करना है. जैसे वो आवाज़ को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो पढ़ना चाह रहा है तो हम ईयरफोन्स बिल्कुल न्यूट्रल करके उनको ईयरफोन्स लगा देते हैं ताकि बाहर की जो आवाज़ है बिल्कुल म्यूट होके जाए, तो उसको कम सुनाई देगी तो वो सेटल रहेगा और वो रिस्पॉन्ड करेगा, पढ़ेगा. सो हर चीज़ के सोल्यूशन ढूंढ के हम अगर उनके साथ काम करेंगे तो बहुत, ऑटिज़म के अंदर एक बहुत स्पेशल चीज़ है. बहुत से ऑटिस्टिक जो होते हैं गिफ्टेड होते हैं, किसी को नंबर्स गिफ्टेड होते हैं. रेन मैन करके एक मूवी आई थी डस्टिन हॉफमैन की कुछ साल पहले, जिसके अंदर वो एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, जिसके अंदर वो नंबर्स को इतनी अच्छे से, वो आपके हाथ में कौन सा पत्ता है वो बता देता था. तो उसका ब्रदर उसको यूज़ करता था गैम्बलिंग के लिए. हमारे यहाँ एक बच्चा है, आप उससे कोई भी डेट बताएंगे वो आपको डे बता देगा. तो कई बार इनके अंदर बहुत एक स्पेशल गिफ्ट्स भी आ जाती हैं. मोस्टली इंटेलिजेंट होते हैं तो वो जो हमारी नॉर्मल पढ़ाई है वो आराम से कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि जो हमारी स्थिति होती है चारों तरफ से, जो एनवायरनमेंट होती है स्कूल की, नॉर्मल स्कूल की, उसमें कोप नहीं कर पाते हैं तो इसलिए पढ़ नहीं पाते हैं. इसलिए नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं होते हैं. 60-70% ऑटिस्टिक बच्चे एवरेज से अबाव एवरेज इंटेलिजेंस में होते हैं. काफ़ी बच्चे अबाव इंटेलिजेंट नॉर्मल से इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि आसपास की जो स्थिति होती है उसमें वो कोप नहीं कर पाते जी. एक तो स्पेशल स्कूल है, तो मतलब अगर किसी बच्चे को ऑटिस्टिक है तो क्या उसको स्पेशल स्कूल में भेजा जाना चाहिए या फिर उस बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल में भी भेजा जा सकता है? जी, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे जो स्पेशल स्कूल हैं उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि स्पेशल स्कूल बंद हो जाए. और जितनी प्रोविजंस हम यहाँ पर देते हैं, अगर नॉर्मल स्कूल दे दे, जो हमारी 2016 की एक्ट आई है उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया है, 2020 की जो चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी है, हर पॉलिसी RTE एक्ट जो आई है, इतनी सारी सरकार की जो पॉलिसीज़ आई हैं वो हमें यही कहती हैं कि देखिए, हमें कोई जादू थोड़ी आता है, हम कोई जादू की छड़ी थोड़ी घुमाते हैं उनको पढ़ाने के लिए. तो अगर 5 बच्चों को एक स्पेशल एजुकेटर एक स्पेशल स्कूल में पढ़ा सकती है, तो वही स्पेशल एजुकेटर अगर रिसोर्स रूम में एक नॉर्मल स्कूल में हो तो क्यों नहीं पढ़ा सकती है? तो हर बच्चे का हक होता है नॉर्मल स्कूल में जाने का. अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर वो हम मानते हैं कि 70% नीड्स हर बच्चे की सेम होती हैं, लेकिन 30% जो स्पेशल नीड्स होती हैं इन बच्चों की, 30-40% या 50%, कई बार 10%, उनको एड्रेस नहीं किया जाता, इसलिए वो मेनस्ट्रीम स्कूल में नहीं जा पाते हैं और कोप कर पाते हैं. वही सब कुछ जो हम यहाँ कर रहे हैं, अगर वो मेनस्ट्रीम स्कूल में होगा तो क्यों नहीं जा सकता है? जरूर जा सकता है. और कोशिश तो यही रहती है कि जितना बच्चा जा सके मेनस्ट्रीम स्कूल में. पिछले 16-17 साल में हमने 30-35 बच्चे जो ऑटिज़म वाले हैं, इंटेलिजेंट और अबाव एवरेज इंटेलिजेंस वालों को नॉर्मल स्कूल, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए रहना तो उसी सोसाइटी में है, दूसरों के साथ मिलके रहना है, काम तो सबके साथ ही करना है. तो जब सबके साथ ही रहना है तो फिर अभी से क्यों अलग कर दिया जाए उनको? जितना जल्दी वो सोसाइटी के का हिस्सा बने उतना अच्छा रहता है जी. लेकिन मैम, एक पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत तो उन बच्चों को है.
तो वो अटेंशन तो अब स्पेशल स्कूल में ही बच्चों को मिल पा रही है गवर्नमेंट, मुझे लगता नहीं है कि बाहर के जो नॉर्मल स्कूल में वो अटेंशन बच्चों को मिल पाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, हम उसकी तरफ आंख बंद नहीं कर सकते हैं। बहुत से स्कूल आजकल क्योंकि एक्ट आ गया है तो उन्हें लेना पड़ता है, बच्चों को लेके क्लास में बिठा लेते हैं बाकी बच्चों के साथ, और वो कहते हैं कि इंक्लूजन हो गया है, बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इंक्लूजन नहीं है, वो डंपिंग है। आपने बच्चे को लिया और बिठा दिया, उसकी जो स्पेशल नीड्स हैं, जो वो चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, चाहे फिजियोथेरेपी है, चाहे उसको उसके सेंसरी इश्यूज़ के साथ आपको काम करना है, आपको लो विजन है तो आपको बड़े चापे की किताबें देनी है उसको, ये जो उसकी जो स्पेशल नीड्स हैं, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, आपने बच्चे को इंक्लूड नहीं किया है स्कूल में, वो इंक्लूजन नहीं है, तो हम एक बहुत कच्चा सा आधा पक्का इंक्लूजन करते हैं स्कूल्स में, इसलिए बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं और स्पेशल स्कूल्स में आ जाते हैं। और स्पेशली शुरू होता है कि जैसे हम स्पेशल स्कूल में 5 बच्चों के ऊपर एक टीचर देते हैं, ऑटिज्म में कहा गया है कि 2 बच्चों के ऊपर एक टीचर होनी चाहिए, तो जब हम ऑटिस्टिक बच्चे लेते हैं तो कितने स्कूल्स हैं जो 2 बच्चों के ऊपर एक टीचर लेते हैं, तो जब हम ये रेशियो ही नहीं कर पाते हैं तो हम कह रहे हैं बच्चे की स्पेशल नीड्स होती हैं आपको फुलफ़िल करनी है, तो एक टीचर जो स्पेशल बच्चे हैं उनको के लिए स्पेशल टीचर्स का जो रेशियो है वो बना के रखना चाहिए। उसके अलावा जितनी भी आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं, जैसे अभी सेंसरी इश्यूज़ हैं, इनको हैंडल करने के लिए सेंसरी इंटीग्रेशन है, हम बच्चों को सेंसरी इंटीग्रेशन देते हैं, उसके लिए इतने सारा इक्विपमेंट आ गया है मार्केट के अंदर, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो ये सेंसरी, तो अगर हम ये ले रहे हैं 10 बच्चे भी ऑटिज़म वाले अपने स्कूल में, तो हमें एक फुल टाइम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, एक स्पेशल एजुकेटर, एक रिसोर्स रूम की ज़रूरत होती है जहाँ पर उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। जब अगर हम ये करेंगे तो सारे आराम से बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल में जा सकते हैं। यहाँ जो बच्चे आपके पास आते हैं किस एज ग्रुप के हैं और कितना समय तक, मतलब रहने का उनका अगर मैं बात करूँ तो कितना टाइम ड्यूरेशन भी कुछ फिक्स होता है कि हम इतने टाइम तक बच्चे यहाँ रह सकते हैं, इतने टाइम तक पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी है उसके बारे में? देखिए अप्रॉक्सीमेटली एजेस हम रखते हैं, लेकिन ये कोई वो ये नहीं है कि ऐसी लकीर है जिसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली जब हमारा अर्ली देखिए फिजियोथेरेपी वगैरह तो 0 से लेके 3 इयर्स तक कोई भी मतलब आता है तो मना नहीं करते हैं, जिस थेरेपी की ज़रूरत होती है अर्ली स्टिमुलेशन वगैरह में ले लेते हैं। रेगुलर स्कूल के अंदर 4 साल से अलग अलग प्रोग्राम है, तो जो एजुकेशन का प्रोग्राम है 4 से 18-20 साल तक होता है, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेजेस वगैरह में चले जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है वो 18 से लेके 22-23-24 साल तक होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर वो 12th में है और 20 साल का हो गया और अभी उसके 2 साल बाकी हैं तो हम कहेंगे कि नहीं अब 20 साल के हो गए 12वीं नहीं करेंगे 10वीं के बाद ही रह जाओ, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और एक पर्टिकुलर देखिए जो हमारे एजुकेबल बच्चे होते हैं वो तो 12th पास करके बाहर चले जाते हैं, डिप्लोमा करते हैं, कॉलेज करते हैं, नौकरियां बाहर ढूंढते हैं, जो हमारे फंक्शनल एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज में हम बाहर भेजते हैं उनको, या हमारे यहाँ ट्रेन होते हैं बाहर नौकरियाँ ढूंढते हैं, तो 22-23-24 साल तो हो ही जाते हैं आराम से, और जब नौकरी नहीं मिलती है तो हमारे यहाँ ही जो शेल्टर्ड वर्कशॉप है वहाँ हम नौकरी देते हैं, तो उसके अंदर कोई नहीं है 30-40 साल, जब तक आप काम कर सकते हो आप काम करते हैं, क्योंकि वो भी एक यूनिट ही है, जो बाहर जाके आप नौकरी करते हैं वैसे ये भी यूनिट होती है। एक हमारे पास फैसिलिटी है जो मोस्टली राजस्थान में नहीं है, और जो बहुत सिवियरली चैलेंज बच्चे होते हैं, आपने 18 साल तक उनको खाना उनको खाना खिलाना, नहाना धोना, अपने आप को संभालना, इस तरह की हम ट्रेनिंग देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर वो हमेशा इंडिपेंडेंट हो जाएं या बातचीत करना शुरू कर लें, ज़रूरी नहीं, लेकिन जितना सीखते हैं सीख लेंगे और सिवियरली चैलेंज होते हैं तो ज़्यादा करके जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं उनको 18 साल के बाद नहीं लेते। हम लोग ने उनके लिए एक लीजर टाइम एक्टिविटी प्रोग्राम स्पेशली बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे माँ बाप को ज़्यादा सपोर्ट मिल चाहिए की ज़रूरत होती है जो ज़्यादा डिसेबल्ड होते हैं, और इन बच्चों को भी हमारे अलावा शायद एक ज़िंदगी नहीं है इसके बाहर, तो एक ज़िंदगी की ज़रूरत है इनको भी,
तो हम सिविली चैलेंज बच्चों के कोई एज नहीं होती, हम इनके लिए लीजर टाइम एक्टिविटी प्रोग्राम है जिसका एक ऑब्जेक्टिव है टू बी हैप्पी, खुश रहें, म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स, घूमना, बाहर जाना, अपने अपने काम करना सीखना, अपने आप से अपने काम करना, चाहे वो खाना पीना है, उसके लिए 5 घंटे वो हमारे साथ रहते हैं रोज घर के बाहर, अपने दोस्त उनके हम उम्र जो होते हैं उनके साथ रहना, एडल्ट्स के साथ, हमारे इतने फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में, सारे सारों के अंदर शामिल होना, ये सब उनका सिलेबस होता है। तो एक ये बहुत हमने स्पेशल किया है, और मैं चाहूँगी कि और भी जो स्पेशल स्कूल्स हैं इन बच्चों के लिए, ये नहीं कि 18 साल तक सीखा फिर कहा कि ये तो बहुत सीवियर है, अब तो जितना सीखना था सीख लिया, अब कुछ नहीं सीखेगा तो अब घर पे बैठ जाए। हम किसी को, किसी भी बच्चे को जब लेते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि वो घर पे बैठे जी। कहीं ना कहीं एक दिशा तो मिले उसको, एक डायरेक्शन मिले, एक उम्मीद जो हमने जगाई है उससे उनको एक एक जैसे कहते हैं ना क्लोजर, कुछ तो मिले लाइफ में। तो जब जैसे जो बच्चे यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, जो आपने इतने सारे प्रोग्राम्स भी बनाए हैं बच्चों के लिए, तो इनको कहीं बाहर भी आप लोग भेजते हैं कि कहीं चलिए मार्केट में गए या किसी मॉल में जाके उनको शॉपिंग करनी है, पॉसिबल हो पाएगा, बच्चा कर पाएगा ये सारी चीज़ें? ये तो जब तक हम बाहर नहीं लेके जाएंगे तो सोसाइटी में कैसे मर्ज होंगे। तो इनका जो प्रोग्राम होता है काफ़ी प्रैक्टिकल होता है, तो जब हम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन वगैरह के बारे में पढ़ाते हैं इनको वहाँ लेके जाते हैं, कभी फायर स्टेशन ले गए, हॉस्पिटल्स में ले गए, बैंक्स में ले गए, तो एक्चुअल किस तरह से चलते हैं वहाँ पर सिस्टम्स वो सिखाते हैं हम। उसके अलावा जयपुर से बाहर भी, यहाँ भी बाहर पिकनिक्स पे लेके जाना, मॉल्स में लेके जाना, जो जैसे हम पैसा लेना देना सिखाते हैं, तो एक पर्टिकुलर मॉल है जो ऑटिज़म वाले बच्चे और दूसरे बच्चों के लिए वेंसडे मॉर्निंग 2 घंटे बाकियों के लिए बंद कर देती है, सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों के लिए खोल के रखती है, तो उनके साथ हमारा टाइप है। तो उस 2 घंटे में उनका पूरा स्टाफ जो होता है, जो हमारे बच्चे शॉपिंग करने जाते हैं, उनको देखते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमेशा सारे ही ऐसे करें, लेकिन शुरू शुरू में जब बच्चे सीखते हैं तो उन्हें थोड़ी अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक बार शॉपिंग करना सीख जाते हैं, जैसे पहले हम उनके साथ मिलके एक लिस्ट बनाते हैं कि आपको क्या चाहिए, फिर वो घर से पैसा लेके आते हैं, फिर वो सामान ढूंढते हैं वहाँ पर कहाँ पड़ा है, फिर इतना ये भी सीखना कि मैं 50 रुपये लेकर आऊँ, फिर वहाँ जाते हैं तो उन्हें 10 चीज़ें चाहिए होती है, हमको ये भी चाहिए, टॉफ़ी नहीं भी लिखी होती तो उनको चाहिए, परफ्यूम चाहिए, ये चाहिए, तो टोकरी भर लेते हैं, फिर उनको कहते हैं बेटी इतना सारा सामान है हाथ में, 50 रुपये हैं। ये भी एक सीखने की चीज़ होती है कि जो चीज़ नहीं, जितने हमारे पास पैसे हैं उतना ही हम कर पाते हैं, तो अपनी लिस्ट के हिसाब से जाइए आप। फिर वो बिल जब बनता है तो वापस क्लास में जब आते हैं पूरा दिन इसी पे डेडिकेटेड होता है, फिर वो अपना सामान निकालते हैं, उसके ऊपर MRP पढ़ते हैं, बिल से MRP मैच करते हैं, उसका टोटल मैच करते हैं, तो ये सब शॉपिंग का हिस्सा होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखाते हैं। उसके अलावा बाहर भी लेके जाते हैं, हमारे बच्चे चेन्नई तक गए हुए हैं, भुवनेश्वर तक गए हुए हैं, दिल्ली तो कितनी बार ही जा चुके हैं, आगरा जा चुके हैं, तो कई बार टूर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ टाई अप है हमारा, तो हर साल या तो रणथंभौर या भरतपुर जाते हैं बच्चे एनुअल और बर्ड्स के लिए। सो आउटिंग्स इनके लिए बहुत ज़रूरी है। कार की तरफ से अगर मैं बात करूँ, मैं स्पेशली ऑटिज़म वाले बच्चों के लिए पूछना चाहूँगी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम, कोई प्लानिंग, कोई बजट अनाउंसमेंट कुछ है ऐसा? क्योंकि कुछ टाइम पहले जो बच्चे थे ऑटिज़म वाले वो पहुँचे भी थे और कलेक्ट्रेट के बाहर उन्होंने प्रदर्शन भी किया था इस चीज़ को लेकर के हमें भी फैसिलिटी जो हम चाहते हैं वो दी जाए, उनके पेरेंट्स वहाँ पहुँचे थे और डिमांड की थी उन्होंने, कुछ है सरकार की तरफ से उसके बारे में थोड़ा बताएं? देखिए स्कीम्स तो बहुत हैं और हम सारा टाइम अपनी डिमांड्स ले लेके जाते हैं, हर साल हम एक इशू ले लेते हैं जिसे हम फोकस में ले लेते हैं और फिर उसके बारे में डिमांड करते हैं। जहाँ तक पॉलिसी का सवाल है, मेरे ख्याल हमारे देश में डिसेबिलिटी नहीं, हर पॉलिसी बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत है, लेकिन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना बहुत गैप है। देर इज़ अ वेरी बिग गैप बिटवीन पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कानून तो है लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता है, और जब लागू नहीं किया जाता है तो उसके लिए बिना, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोविज़न नहीं होती कि आप उसके ऊपर एक्शन ले लें। अब जैसे आप पॉलिसी के अंदर है RTE एक्ट, आप देखते हैं इसके अंदर हर प्राइवेट स्कूल को 25% बच्चे लेने चाहिए, आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ कितने असली में जाते हैं और कितने नहीं होते हैं, और जब नहीं होते हैं तो कैसे पैसे दे के वो उसको वेवर कर दिया जाता है।
उसी तरह स्पेशल स्कूल्स में स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल्स में एडमिशन लेना, उन प्रोविजंस प्रोवाइड करना, बहुत गैप है। पॉलिसी जो कहती है कि आपको करना चाहिए, सरकार जो कहती है करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा गैप इसलिए रह जाता है कि जब वो नहीं होता है ना तो उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। अब आपने मुझे कहा कि आपको तो लेना पड़ेगा 3% डिसेबल्ड अपने स्कूल में, मैं नहीं लेती हूँ, आप उसकी कंप्लेन करते हैं तो उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होता है। सो वो जो है ना गैप, वो बहुत बड़ा है जिसे भरना। अभी तो हम एज पेरेंट्स ही मिलके ग्रुप्स बनाते हैं, पुश करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, इंडिविजुअली जाके प्रिंसिपल से बात करते हैं, उस लेवल पे होता है, लेकिन सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कोई जोर नहीं है। सरकार ने एक्ट तो इतने सारे बना रखे थे, वो एक्ट है क्या, एक्ट किस काम में आ रहे हैं क्या उसके बारे में? देखिए एक्ट में जी बहुत लंबा चौड़ा है, 2016 का जो एक्ट आया, हर चीज़ के लिए उसके अंदर प्रोविज़न बनाया। एक चैप्टर जो है वो खाली एक्सेस के ऊपर है, जैसे जो व्हीलचेयर वगैरह में है, चलने में लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, सेरेब्रल पॉल्सी वाले हैं, उनके लिए कोई भी आप कोई भी पब्लिक प्लेस है उसको आप नहीं बना सकते जब तक वो डिसेबल फ्रेंडली ना हो, तो उसको परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए बनने की, और अगर बन गई है तो उसके अंदर एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक लेकिन हमारे यहाँ मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर हम व्हीलचेयर में, क्योंकि मेरा बच्चा तो व्हीलचेयर में है, हम व्हीलचेयर लेके जाते हैं तो मुझे समझ नहीं आता बच्चे को उठाऊं, व्हीलचेयर भी उठानी पड़ती है हाथ में, क्योंकि कोई सड़क नहीं है पूरे शहर में जहां मैं आराम से व्हीलचेयर को फुटपाथ के ऊपर चला सकूं। पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है आपकी तरफ से, और हमारी जो आम पब्लिक है उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगी, बच्चों को किस तरह से ट्रीट करें, किस मतलब थोड़ा एक मैसेज जो मैं चाह रही हूँ आपकी तरफ से क्या देंगे आप? देखिए पेरेंट्स को तो मैं यही कहूँगी कि जैसे मैंने पहले कहा, लाइफ विदाउट विद डिसेबिलिटी इज़ अ बिग चैलेंज, बट देन लाइक व्हाट इज़ लाइफ विदाउट अ चैलेंज। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चैलेंजेस हैं, लेकिन हिम्मत से उसको अगर हम ओवरकम करेंगे तो हमें हर चैलेंज का एक सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। हिम्मत नहीं हारें, एक दूसरे को हम सपोर्ट करके, जैसे ये हमारे तो पूरी संस्था ही ऐसे चलती है एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो हमारी जो मुश्किलें हैं बहुत आसान हो जाएंगी, हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा आप आम पब्लिक के लिए कह रहे हैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह अभी तो बहुत से चेंजेस आ गए हैं, पिछले 30-35 साल में मैंने देखा है बहुत से चेंज आ गए हैं, तो बहुत उम्मीद है हमें आपसे कि आप खुले दिल से हमारे बच्चों का के लिए अपनी जिंदगी में जगह बनाएंगे। जी थैंक यू सो मच। और ऑटिज्म डे के लिए कुछ और स्पेशल बातें हमारी सरकार को अगर आप देना चाहें, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या किसी और को कुछ कहना चाहें? जी वी वेलकम गवर्नमेंट को तो यही कहेंगे कि हम 2016 की पॉलिसी जो है उसको बहुत वेलकम करते हैं, लेकिन प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट कराइए। जी थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारे साथ उमंग की ट्रस्टी दीपक कालरा। ऑटिज्म डे पे, वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे खास मुलाकात हमने आप प्रिंस से करवाई, उनका यही कहना है कि हमारे बच्चे पहले से बहुत स्पेशल है, ज़रूरत है उनको थोड़ी सी अटेंशन की, वो अटेंशन हम सब चाहें तो बहुत आसानी से दे सकते हैं, ज़रूरत है अपनी मानसिकता में बदलाव करने की। पत्रिका टीवी में फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।